क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है एक पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स में आपको इस बाइनोमियल्स का डिवाइड करना है। देखिए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और साथ में पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, क्या होता है मोनोमियल्स, क्या होता है बाइनोमियल्स, क्या होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ में वहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या होता है, ये सारा चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वेरिएबल का, और साथ में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है और डिवीजन का रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ सिखा चुके हैं। जब आप उन सारी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सारा बहुत ईजी लगने लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है कि 2x⁴ - 3x⁴ + 4x⁴ + 5x - 8 में इसमें आपको डिवाइड करना है, इस बाइनोमियल्स यानी कि x माइनस 1 का डिवाइड करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो पहले होनी चाहिए और मिनिमम पावर बाद में होनी चाहिए, यानी कि आपको वेरिएबल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखना होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी इसकी वेरिएबल की पावर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे भी वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर नहीं है तो उसको हम पहले अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। यहाँ पे क्या होता है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x⁴ आ जाए, यानी कि x का टेबल हम कितनी टाइम पढ़ें, ठीक है। देखिए x में हमें कितनी बार टेबल पढ़ें कि हमारा आ जाए 2x⁴ आ जाए, ठीक है। तो अब हमें 2x⁴ में डिवाइड करके चेक कर लेते हैं फटाक से, ये कितना हो जाएगा 2x�³, यानी कि टेबल आपको कितनी बार पढ़ना है, 2x³ बार टेबल पढ़ना है। x का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 2x³ बार पढ़ना है, यानी कि प्लस का 2x³ बार टेबल आपको पढ़ना है तो आपको आ जाएगा 2x⁴ आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका टेबल इतनी बार पढ़ा जाए, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा 2x⁴ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही लाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ देखो प्लस है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही आता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो -2x³ हो जाएगा। अब x³ वेरिएबल किसके साथ में ऐड सबट्रैक्ट होता है, सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ में ऐड और सबट्रैक्ट होता है, तो अब सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ नीचे ही उसको लिखना पड़ेगा। देखिए यानी कि x³ कहाँ है, x³ यहीं पे है, तो अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 2x⁴ कितना है 3 है, तो यहाँ पर x³ आ जाएगा। अब देखेंगे हमें डिवाइड पढ़ने के बाद क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, अब यहाँ पे माइनस करने हैं साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाता है माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब 2x⁴ का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2x³ का जो साइन हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। मैं आपको फर्स्ट टर्म हमेशा माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया ये। तो अब यहाँ पे इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस का कितना हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे, बचे कितना 3, यानी कि अब नेक्स्ट वाली संख्या क्या हो गई, प्लस 4x² हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज क्यों हो जाते हैं ये समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपको बोला गया कि 2x⁴ - 3x³ में इसमें से आपको माइनस क्या करना था, इसमें से आपको माइनस करना था क्या, 2x⁴ - 2x³ को, इसको माइनस करना था, प्लस का 2x⁴ - 2x³ को इसमें से माइनस करना था, इसमें से आपको इसको माइनस करना था, तो माइनस का साइन लगा दिया। जब आप सोल्व करेंगे 2x⁴ - 3x³, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x⁴, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x³। देखेंगे आपको यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन था, तो प्लस यहाँ माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिए यहाँ पर भी साइन आपका माइनस हो गया और यहाँ पर भी साइन आपका प्लस हो गया। साइन चेंज हो जाता है कब, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है, माइनस का मल्टीप्लाई आप जब ब्रैकेट में करते हैं तो ब्रैकेट वाली वैल्यू जितनी भी रहती है उन सबका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इससे ये कट गया, माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, यानी कि सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, -3x³ में से +2x³ को माइनस किया जाएगा, कितना हो जाएगा, -x³।
ये आएगा, वही तो लिखा गया, देखिए आ गया। संख्या उतारने के बाद में वापस से टेबल पढ़ना पड़ता है। देखिए अब वापस एक्स का टेबल पढ़ना है। अब वापस एक्स टेबल कितनी बार पढ़े कि भाई हमें फर्स्ट टर्म लाना है, माइनस एक्स पावर थ्री लाना है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा माइनस एक्स पावर थ्री आ जाए, तो पहली बात तो माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स पावर थ्री। कैसे करना है ये प्रक्रिया मैं आपको समझा चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पावर थ्री। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, एक्स पावर टू। अब देखिए अब वापस से माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब नीचे वाला साइन जब माइनस करते हैं तो साइन नीचे का कंसिडर किया जाता है, ऊपर वाला नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फोर एक्स पावर थ्री में से एक्स पावर टू माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, प्लस का थ्री एक्स पावर टू। इसके बाद में वापस से संख्या उतारा जाता है, नेक्स्ट वाली संख्या क्या है भाई, प्लस का फाइव एक्स है, ठीक है, अब प्लस का फाइव एक्स है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से टेबल पढ़ना है एक्स का, एक्स का टेबल कितनी बार पढ़ा है भाई, यहाँ पे थ्री एक्स पावर टू आ जाए, तो सीधा सिंपल सा है, यहाँ पर प्लस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए थ्री तो थ्री आ गया और एक्स का पावर टू हो जाएगा, और साथ ही इसका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस करने जाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, एट एक्स हो जाएगा, सेम वेरिएबल सेम पावर में इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये प्लस हो गया कितना हो जाएगा, एट एक्स हो गया। अब देखो बचा क्या है, इसको हम उतार लेते हैं, माइनस एट। टेबल पढ़ना है एक्स का, एक्स का टेबल कितनी बार पढ़े कि भाई एट एक्स आ जाए, सीधा सिंपल सा है ना, एट का मल्टीप्लाई करो, एक्स में आपका एट का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, एट एक्स, ठीक है। यानी कि इसका टेबल आपने इतनी टाइम पढ़ा कितना आ गया, एट एक्स आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का एट हो जाएगा, ठीक है। अब वापस हमको माइनस करना है, माइनस किया जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस का था तो यहाँ पर हो गया प्लस का, ये से इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। यदि आपको आंसर भी चेक करना है कि भाई आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। डिविडेंड को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें और इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, ये क्वेश्चेंट होता है और ये साथ में ये होता है, रिमाइंडर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, तो सीधा सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, डी कैपिटल डी, यानी कि ये डी बराबर क्या हो जाना चाहिए, डी है ये, क्या है डी, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, d इंटू क्यू प्लस आर, या तो आप ऐसा लिखो d बराबर क्यू इंटू डी प्लस आर, ठीक है। यानी कि इनका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाता है तो क्या जाता है आपका, ये डिविडेंड आ जाता है, यानी कि भाज्य आ जाता है, ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेषफल है, ठीक है। यानी कि जब आप भाजक में भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो अब आ जाता है भाज्य आ जाता है, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी प्रकार से डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशियंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर यानी कि एक्स माइनस वन का आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, टू एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस एट, इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है और साथ में रिमाइंडर को जोड़ देना है, ठीक है। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब सीधा सा हो गया, भाई इसका मल्टीप्लाई आप पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, यानी कि x इंटू टू एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस एट, ठीक है। और साथ ही साथ माइनस वन का मल्टीप्लाई आपको करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में वापस में, यानी कि 2x पावर 3 माइनस एक्स पावर 2 प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू ये प्लस में 0, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x पावर 4 हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, प्लस 3x पावर 2 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सेम टू सेम इसका मल्टीप्लाई इसमें करें कितना हो जाएगा, माइनस का 2x पावर 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस x पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस 3x और यहाँ पे माइनस 8 और प्लस 0। देखिए x पावर 4 यहाँ पे है और कहीं पे है क्या, नहीं है, तो 2x पावर 4
एक्स पावर थ्री यहाँ पे है, एक्स पावर थ्री यहाँ पे है, तो सोल्व करिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स पावर थ्री हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक्स पावर टू है और एक्स पावर टू यहाँ पे है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, थ्री एक फोर एक्स पावर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे थ्री एक्स है, प्लस का एट एक्स माइनस थ्री एक्स कितना हो जाएगा, प्लस का फाइव एक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ एट एक्स वाला काम खत्म हो गया, अब कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू बची, तो माइनस का एट आ गया, प्लस का जीरो। अब देखिए उसको और सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा, टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स पावर थ्री प्लस फोर एक्स पावर टू प्लस फाइव एक्स माइनस एट। जब इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इतना आ गया, और साथ में रिमाइंडर को भी जोड़ लिया तब भी यही आएगा। यानी कि अब हमारा ये जो आता है ये क्या होना चाहिए, ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड है। अब हम चेक कर लेते हैं भाई सही है गलत है। अब देखिए यहाँ पे टू एक्स पावर फोर, टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स पावर थ्री प्लस फोर एक्स पावर टू प्लस फाइव एक्स माइनस एट, यानी कि यह क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस को मैं सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था, पॉलीनोमियल्स में आपको मोनोमियल्स का डिवाइड करके बताया था। सेकंड में आपको सोल्व करके बताया कि आप पॉलीनोमियल्स में बाइनोमियल्स का डिवाइड कैसे करेंगे, ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में सोल्व करके ये बता दिया। और इन क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करते हैं वो फार्मूला भी मैं आपको बता दिया हूँ। फार्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आई होप दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं किसी भी पॉलीनोमियल्स में आप ट्राइनोमियल्स का डिवाइड कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।